हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह का टाइम है और अभी मैं आ गई हूँ अपने इस वाले एरिया में जहाँ पर हमारे सारे एनिमल्स बनते हैं। तो जी, बहुत बुरी हालत कर दिया इन्होंने, क्योंकि सुबह से हम लोगों का समय नहीं मिल पाया और चाचा जी चले गए थे खेत में। अभी तक हम लोगों ने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके भेजा है और आज हमारी फैमिली में शादी भी है, तो इनका भतीजा है, उनकी शादी है लड़के की, तो जी वहाँ पर भी हम लोगों को शादी अटेंड करनी है। तब तक माँ और पिताजी भी आ जाएंगे, लेकिन मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर जो है क्लीनिंग करनी है थोड़ेंगे। तो सबसे पहले इनके नीचे क्लीनिंग करेंगे और इन्हें बाहर धूप में बांध देंगे, और वो लोग भी वेट करके बैठ गए हैं। अभी ये दोनों तो बैठी नहीं, लेकिन कृष्णा थक हार कर बैठ चुकी है। फाइनली दो दिन के बाद माँ पिताजी घर पधार चुके हैं, ये देखिए। और छोटू लेकर आया है इन्हें बस स्टैंड से, बुढ़ाना से, जहाँ पर ड्रॉप नहीं, पिताजी को फोन तो देना पड़ेगा भाई, वो छोटे ही वाला है छोटा। मैं बस उतरता सर ने सोचता था बस मैं उतर रही कदे मकान को कर दिया, फिर बाबा आ जा कर मलाई खा रही है तो चाय में है जोन सी मलाई सूंघती भी नहीं। और माँ लाई बच्चों के लिए चिज्जी, ये देखो क्या लाई माँ इसमें, चिज्जी चीकू लाई, वे ही लाई आलू, आलू गुफारे बता दी थी चीकू को। आलू या कह भी थी, कहने लगा कि नहीं नहीं दो केड़ा खावे। माँ क्या सारा आ, दो दिन का सफर बढ़िया रहा? दांत तो नहीं चिस्सा? मेरी माँ लाई, मेरी माँ लाई, मैं काम में सारे चीको सब ठीक है। छोटे बेबी के लिए ही तो हुआ चिज्जी, नु कह रहे थे भाई साहब भी, नु को यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा माँ पिताजी के बिना। मगर माँ पिताजी के बिना यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, बुत की डाल तड़की तक काम ही काम करने लग रहे। अली चार फेरी तेन पूछा माँ क्या बना मैं, क्या बना मैं। पिताजी ने तो कह दिया था एक महीने के नाम के जा रहे हम तो जा। अरे पोते तो पूछ के देखियो पोता किस तरह रो रहा था। ठीक चले गए माँ जी में कुछ ऐसे काम से चलन लगे भाई, दादी बाबा नाना नाना का ही वो था अपना। ठीक है भाई, उस जाती को भी नू हो गया चल भाई। अच्छा नू बताओ कितनी खुश होगी? वाह वाह, भी खुश होगी। और भाई माँ भी यही प्रशंसा हो रही थी, क्या कहना भाई, बाबा दादी अपने बेटों से ज्यादा प्यार करें पोतों का देतों का। तो जब तो वहाँ से बड़ों को ही बुलाया जा रहा था, ममता के मारे दादी बाबा नानी नाना सब आकर यहाँ मौका देवे स्कूल में। अच्छा माँ, पर तुमने एक काम करा, तुम जो वो कुर्सी का वो घूम घूम कर रहे थे ना म्यूजिकल चेयर, तुम खड़े ही रह गए, गाना बंद होते ही बैठना था उसमें। गाना बंद होते ही तो बैठना था, तेरे पिताजी का तो एक दो फेरी लंबा रहा भी कहा बैठने का। अगर वहाँ इतनी भीड़ है, इतनी वहाँ कुर्सी थी, जितनी वहाँ लेडीज जो भी है, फिर उन्होंने कह दिया उनको अपने स्थान पर चले जाओ। पिताजी ने तो देखो दो बार गाने रुके, म्यूजिकल चेयर का गेम था वहां से, वो मैंने देखा। और पिताजी ने तो दो बार बैठे, पिताजी तो भाई साहब कह देते पीछे तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पिताजी तो एकदम बैठ जाते। माँ का नहीं नंबर आ, माँ तो बेचारी खड़ी रही। हाँ और तो ज्यादा थी कुर्सी थोड़ी थी। हाँ हाँ उन्हें पता रहे है। हाँ दबी हो के दम दे फिर वहाँ पहला लंबर मेरा तो तन्ने मुझे धक्का दिया। हाँ तो माँ पिताजी का तो फर्स्ट टाइम था। चलो कोई बात नहीं, अगले साल फिर जाइयो, इब जब पता तो चल गया, एक्सपीरियंस हो गया एक। तो फिलहाल टाइम हो गया है 12:15 के, और 12 बजे का ना प्रॉमिस कर रखा भाई उनसे कमिटमेंट आरुष और आरुष से स्कूल से लाने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ उन्हें स्कूल से लाऊंगा, क्योंकि आज ना नोता है, फिर से चूल्हा नोता है। आप भी जाओगे? कहाँ जाओगे आप हैं? चलो चप्पल पहन लो, तुम्हारे बिना कोई काम संपूर्ण हो नहीं सकता, इसलिए तुम्हारा चलना बहुत ज़रूरी है। हैं यहीं रह लो, अभी आ रहा 5 मिनट में मैं। चलो खेल लो, ये खा लो नमकीन। हैं ये देखो नमकीन लिए बैठी है, खा लेना, और कुछ चाहिएगा बता दिए। इसे खाने देते हैं अभी नमकीन और उन्हें लेके आता हूँ। ये देखो घर से मूड खराब हो गया था इसका, इसे लेके नहीं आ रहा था मैं, पिताजी ने फिर इसे बैठा दिया बाइक पे कि गांव में ही तो जा रहा भाई, ले जा। आओ चलो आओ, उंगली पकड़ो मेरी, लेके आओगे उन्हें। चलो अब तक भी नाराजगी भयंकर है भाई। तो पहुँच गया हमें स्कूल और अभी बुलाते हैं भाई। हाँ भाई देखो सर जी क्या करे, सर से कोई सा चले जाओ, या तो इसे भेज दे या आप चले जाओ, बताओ कौन सा जा रहा।
अच्छा ये कह रहा मैं जाऊंगा भाई आरुषि, ये भी तो जाओगी। आ गए आरुष आरुषि स्कूल से बाहर। हाँ जी मोटर कहाँ से खड़ी थी? यहाँ खड़ी कर दी थी, बाहर ही तो खड़ी करते हैं। और ये आ गए हैं, देखो एक फरमान जारी होते ही कितनी खुशी होती है। और सर जी कह रहे थे भाई एक जा सके कोई सा, हैं? देखो मजाक कर रहे थे ना आपसे। चलो अब बैठो, बस अब खुश ठीक है, है? ना ये दो ले लिए। कौन से? इसमें तब यही लिखा है, दो ले लिए ना, ना एक मुझे दे ना एक मेरा होगा। तो बच्चों को तो इनके पापा समय से ले आए थे और यहाँ पर इन दोनों की मस्ती चल रही है। ये देखिए अब इनको भी रेडी करना है और खुद भी रेडी होना है क्योंकि आज है मंडा, तो मंडे में हम लोग जाएंगे और ये भी जाएगी और बारात में भी इनविटेशन है जाने का। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान निकाल लिया है और आज मैं जैसे कि मौसम ऐसा है गर्मी से वाला थोड़ा सा, तो लाइट कलर की ये साड़ी पहनने वाली हूँ बनारसी में। हाँ सगाई शादी यही कहते हैं। ये मेरा मेकअप किट है बेटा, वो मेरी मैचिंग की बैंगल्स है इसमें, और ये आरुष का कुर्ता पजामा और आरुष के पापा का कुर्ता पजामा। तो ये लोगों को मैंने बोला है दोनों के कुर्ते पजामे, तो इन्हें मैंने बोला था कि कुर्ता पजामा ही पहन कर जाना। और अभी बालों को वॉश किया है तो थोड़े से इनको सुखा लेते हैं। तो होती तो मैंने स्ट्रेट कर लेती लेकिन मुझे अकेले ना आलस आता है बहुत ज्यादा स्ट्रेट करने में बालों को। तो चलो जी रेडी होते हैं, अभी प्रीति भी नहाने के लिए गई है तो वो भी जाएगी, तो चलेंगे फिर सारे के सारे। तो भाई जी फाइनली वो वक्त आ गया जब हम शादी में जा रहे, आज है मंडा भतीजे का और तैयारी यहाँ चल रही काफी देर से। ये तो तैयार हो ली और हमारा तो क्या होना तैयार, हम तो कुर्ता पजामा रखा जो गाल के चल देंगे, बस यही हमारा तैयार होना। तो अभी बज गया डेढ़, टाइम भी पूरा हो रहा, तो बस वेट है तो इनके तैयार होने की। इधर ये तैयार हो रही, उधर प्रीति बच्चों ने कपड़े पहन लिए स्कूल से, मैं ले आया था आरुष आरुषी को जल्दी। चिंकी गुड्डू तो अपने टाइम पे आवेंगे, और चिंकी को ना ये फिक्र हो रही थी कि भाई कभी चाउमीन ख़त्म हो जाए जब तक, मन्ना का आम का बैठे चाउमीन इतनी नहीं खा करते तम, अभी तो उससे उठे बीमारियों से। खैर कोई बात नहीं, अभी फिलहाल जो है बिंदिया चमके चूड़ी खन के लोंग मारे लस्कारे और हम जा रहे हैं शादी में सारे के सारे। हम भी हो गए तैयार, गाल लिया हमने भी कुर्ता पजामा और अब चलने की तैयारी करते हैं। बस इन्हें घेर घार कर ले जाऊं भाई दावत पानी पे। क्या हो गया इसका पजामा निकल रहा क्या? ढीला लग गया पजामा। तो आरुष और आरुषी तो हैं बिल्कुल तैयार, नंदनी बाकी है, उसने कपड़े एक बार तो बदल लिए, तैयार हो गई थी वो भी, लेकिन माँ कह लगी ये नहीं है तो बढ़िया नहीं लग रही, रिजेक्ट करो इसे दूसरा पहनाओ। और ये देखो इसने न्यू ड्रेस अभी आई है इसकी हाल ही में, ये न्यू ड्रेस ये इसने डाल ली है और कल बारात के नाम की दूसरी है। तो फिलहाल ये तीनों बच्चे तो रेडी हैं मेरे पास में, मैंने तब तक लेके चलता हूँ। अरे बेटा तुम्हारे तो बाल भी अभी ज़्यादा उगे नहीं है, छोटी हैं हैं, बैठना नहीं है वहाँ, तो चलते फिरते रहना है, मेरे पास बैठेगी। मेरे कंधों पे बैठेगी। चलो चलो पहन लो सैंडल पहन लो। पिताजी तो दावत खाए आए हैं, माँ रेडी है अभी इन सब के साथ में जाएगी, ये सब रेडी हो गए हैं अभी, और आरुषि चली गई है पहले ही। नंदनी चलो भाई, नंदनी कह रही गाड़ी तो आ जान दो, गाड़ी में बैठ कर नहीं जाना नजदीक ही है, गाड़ी में कल को चलेंगे। आ जाओ पिताजी, पिताजी को बुला रही हैं, पिताजी अब यहीं रहेंगे हैं, पिताजी पहले चले गए थे। कौन नहीं लेके गया था आपको? अच्छा आपको लेके नहीं गए, तो चलो मैं लेके चलूंगा आपको, हैं? ठीक है चलो जल्दी जल्दी। वो अपनी मम्मी के साथ चले हैं, हैं? पापा के साथ। हाँ तुझे देखो तू परेड करते हुए चलेगी, यहाँ भी पूरा दिन ऐसे ही करती रहे। सारी चीजों का टेस्ट ले रही, अभी तो पानी पूरी खा रही थी, रसगुल्ला भी उठा लिया। इसे चम्मच तो दे दो। आरुष भाई खा ले कुछ, क्यों क्या हो गया? मन नहीं कर रहा इसका, ऐसे तो भूख लग रही है। ये है दूल्हे का छोटा भाई सौरभ, और ये पूछ नहीं रहा आज तो, और पिछले भी हमें भी इनने ऐसा ही करा था, और दावत पानी के लिए जो है पता नहीं मैं भूल जा के हमें
देख रहा मैं, नोटिस कर रहा तुझे, ठीक है। एक आध दिन आवे हमारा उसमें तो पूछता नहीं हमें। नंदिनी ने तो अपना पेट भर लिया, देखो पेट दिखा रही, और ये बहुत देर से लग रही है यहाँ पे, पता नहीं अभी पूरा खाना खा लिया या और बाकी रह रहा है, रह रहा और है? हो गया इनका भी, ये तो एंजॉय कर रही, जो खाने के बाद में एंजॉय हो रहा है वो। माँ देखो नीचे बैठ के खा रही हैं, और यही फायदेमंद है, पुरानी आदत है इनकी। दावत पानी तो नहीं खाओ, अब चल रहा है फोटो सेशन, और ये है लड़का भाई, वो भतीजा सौरभ से बड़ा, क्योंकि भाई सौरभ को बहुत जल्दी थी शादी की, इसलिए उसे उसकी पहले ही कर दी थी। तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, बाकी हम वाला एंजॉय तो कर नहीं सकते भाई, जो भाई की शादी में हो रहे हैं। नहीं हल्का सा तो कर लेता तो भाई ये। अच्छा फिर ठीक है, तो जी बस कल को बारात में मिलेंगे और सारे चलेंगे, और हमने जो है कमिटमेंट कर रखा है, तो हम माँ को भी ले जाएंगे बारात में गौरव की, क्योंकि माँ ने ना अभी कोई भी बारात नहीं करी यहाँ पे। रात को डांस भी तो है। तो चलो जी, बेस्ट ऑफ लक कांग्रेचुलेशन। तो जी फिलहाल हम लोग घर पहुंच चुके हैं, 3 बज गए हैं, और खाना पीना हो गया, और लगन भी हो गया था वहां पर, लगन का जो शगुन होता है वो सब कुछ हो गया था। तो कुछ गेस्ट हम लोगों को जानने वाले मिल गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि घर लेकर चलते हैं, जो मेरे मामा के साइड से थे, तो मामा भी थे उसमें, तो कई सारे, तो मतलब किसी को तो मैं पहचान लेती हूँ, किसी को नहीं भी पहचानती हूँ, तो वही होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पे जब मैं मामा के घर पे जाया करती थी। तो खैर कोई बात नहीं, मिल लिए, अच्छा लगा काफ़ी, और बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले हमें शादी में, तो बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप सब हमें इतना प्यार करते हो, हमारा ब्लॉग देखते हो, तो रोज़ की रोज़ जो है हमारे ब्लॉग को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो जी ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे, और आप सभी ब्लॉग में आते रहेंगे। तो चलो जी अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और अपने घर के काम पे लग जाते हैं। गुड्डू चिंकी थोड़ा सा लेट आए थे, तो वो लोग गगन के साथ में अभी पहुंच गए हैं वहाँ पर, आज छुट्टी लेट हुई थी उनकी, तो मैंने फ़ोन किया था इनके पापा को, तो अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर पर ही, तो आ गए हैं इन्हें लेकर। ये देखो खुद ही ये रेडी हो गए थे, कॉफी पिया यार, आइसक्रीम खाता है। चाउमीन 2 प्लेट चाउमीन, दाल मखनी, छोले चावल, 3 प्लेट खाई, नान प्लेट उठाई, नान। तो अभी मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कल बारात में जाना है या नहीं। मम्मी पूछ रही कल बारात में जाओगे क्या, मैं शाम तक डिसाइड करके बता दूंगी, क्योंकि परसों से मेरा एग्जाम भी है, इसलिए ये बारात में नाचेगा, इसने पहले ही सोच रखी, आप भी नाचोगे। इरादा तो है आगे का नहीं पता। तो जी आ गए हैं हम नोते में, तो मतलब शादी वाले ब्याह में से, खाना वाना फिट खा के सब अब वापस हो चुके हैं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, जैसे कि एक किफ़ायती आदमी करता है ना, कपड़े गंदे नहीं होने देता, तो कपड़े गंदे होने दिए, मैंने चेंज करके रख दिए, मतलब उन्हीं में ही मैं एक दो ब्याह की दावत और मार लूँगा यहाँ लोकल में, तो इसलिए मैंने ऐसे कैसे रख लिए, क्योंकि पैसे लगाए थे ना उसमें ड्राई क्लीन के, तो बहुत अच्छी क्रीज जमी हुई थी उस पर, मैंने ज़्यादा नहीं तोड़ी, मतलब मैं बैठा भी नहीं हूँ कहीं पे भी शादी में, कभी इसकी क्रीज टूट जा। और जी खाना बहुत अच्छा था, मैंने तो खाया नहीं, लेकिन भाई धन्यवाद बोलने में क्या जा रहा, तो हलवाई जी थैंक यू बहुत बढ़िया खाना बनाने के लिए, सब आदमियों को तारीफ चाहिए भाई, वैसे भी कर दो बिना कारण कभी कभी, तो ऐसे ही मन ने करने की ठानी। तो जी थैंक यू ऑल द मेहमान्स जितने भी आए थे, बहुत सारे हमारे जानने वाले थे, उनमें से कुछ सब्सक्राइबर भी हैं, रिलेटिव्स भी हैं, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिल के, और बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। और अब जो है काम सिंगवाएंगे भाई यहाँ का, क्योंकि आज देखो इसे भी खाना बनाना नहीं पड़ा, और को कुछ नहीं करना पड़ा, बर्तन नहीं मांजने पड़े, वैसे मज़ा आ जावा चूल्हा नौदावत में, घर कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस ब्रेकफास्ट बनाया था जब बर्तन साफ कर, किसी का चाय वाय पीने का मन करे तो चाय वाय बनवा लो, नहीं तो भाई है तो भाई खैर मज़े वाली बात। तो कुल मिला के है कि बहुत अच्छा रहा, बहुत ठीक रहा, अब मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिल गए काम के, ये करना वो करना फलाना करना ढिमकाना करना मुकड़ाना करना, कई टाइप के हैं ना, इसलिए मैंने ऐसे बोल दिया, कई टाइप के काम हैं, तो अभी मैं कर दूंगा खैर फटाफट, उसमें बाहर के भी हैं घर के अंदर के भी हैं, ठुक ठुक खट खट की आवाज़ बहुत आती है, इसलिए यहाँ बैठे हैं बताने के लिए, जब हम बोलते हैं वे भी बोलते हैं।
तो जी जो लगन लेके आए थे मेहमान उनमें से भी कुछ हमारे रिलेटिव ही निकले, सब्सक्राइबर भी निकले, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद मिलने के लिए आए भी थे घर, और कल हम जाके मिलेंगे उनसे वहीं पे क्योंकि हम बारात में जाएंगे। तो आज का काम तो जो है निपट गया, अब शाम को वही डीजे बजेगा। हमारे यहाँ होता यह है कि जैसे कल बारात जाएगी, आज लगन आया है यहाँ पे लड़की वालों की तरफ से, वो लगन दे के चले गए और दावत पानी सबका हो गया, तो ये तो काम निपट गया। शाम को बस जो है अलग से जो पीने खाने वाले होकर रहे हैं ना, वे उनकी दावत चलेगी और डीजे पे भी डांस करेंगे, मतलब जो कभी कभार वाले डांसर हो ना वे वालों की भी जो है आज डांस पार्टी चलेगी। कभी कभार आप समझ ही रहे होंगे किसी ऐसे ओकेशन पर जहाँ मतलब कुछ लिक्विड वगैरह लेके और डांस करते हैं लोग, टेंट के पीछे जा जा के आते हैं ना चक्कर मार कर, फिर एकदम जोश के साथ गाना बजवा के नाचते हैं। एक डांस आज होगा और एक होगा कल बारात में, और जहाँ पर बारात जा रही है वो है मेरी नानी का मायका, और मेरी नानी वहीं पर है तो उनका फोन आ चुका है कि बबली बारात में आना। मैंने कहा ठीक है, प्रोग्राम बना रखा है तो पहले ही सलाहबंदी हो चुकी है। तो देखो कैसा कॉम्बिनेशन बन के आया है कि नानी का मायका हुए तो लड़की वाले हुए, हम लड़के वाले हुए, हमारे भतीजे की बारात है तो वहीं पे मिलेंगे भाई। ये नानी से भी मिल गया होगी और अपने ननियाल में या वहाँ कई बार रह के भी बतावे, बचपन में बहुत जाती थी मैं वहाँ पे।